हेलो फ्रेंड्स, आज से हम देखेंगे बायोलॉजी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन। तो आज हम देख रहे हैं 12th क्लास की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के क्वेश्चन, और इसी तरह से हम पूरी बायोलॉजी के क्वेश्चंस देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वुडी पेरिनियल क्लाइंबर्स आर कॉमनली कॉल्ड लियानास, क्रीपर्स, राइजोम्स या फिर रनर्स। सही आंसर होगा 1, लियानास, और इन्हें वाइंस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लेयरिंग इज फाउंड इन, यानी कि इनमें से किस में लेयरिंग द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जैस्मिन, मैंगो, रोज या फिर ऑल ऑफ दिस। तो सही आंसर होगा 1, जैस्मिन। जैस्मिन में रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लेयरिंग द्वारा किया जाता है, जिसमें इनकी ब्रांच की टिप को सोयल में गाड़ दिया जाता है, जो कि एक नए प्लांट में डेवलप हो जाता है। ओव्यूल्स आर नॉट फाउंड एंक्लोज इन ओवरी इन, यानी कि इनमें से किनके ओव्यूल्स ओवरी में एंक्लोज नहीं रहते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म। तो सही आंसर है 3, जिम्नोस्पर्म, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स के ओव्यूल नेक्ड होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक होता है ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन, प्रोटोप्लाज्म या फिर मूवमेंट। सही आंसर होगा 3, प्रोटोप्लाज्म। द प्लांट मटेरियल विच इज वाइडली यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडियम इज, यानी कि इनमें से किसके प्लांट मटेरियल का यूज कल्चर मीडियम को बनाने में किया जाता है, साइकस, कोकस, पाइनस या फिर बोरेसस। सही आंसर होगा 2, कोकस न्यूशिफेरा। फ्रूट्स आर नॉट फाउंड इन, इनमें से किस में फ्रूट नहीं पाए जाते, एंजियोस्पर्म्स, डाइकोट्स, मोनोकोट या फिर साइकस। तो देखिए, जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं पाए जाते हैं और साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, इसलिए इसका सही आंसर होगा 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट यूजिंग फोलियर एडवेंटिशियस बर्ड एज मेथड फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी कि इनमें से कौन से प्लांट में फोलियर एडवेंटिशियस बर्ड का यूज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में किया जाता है, बनाना, जिंजर, ब्रायफाइलम या फिर कोलोकेशिया। सही आंसर होगा 3, ब्रायोफाइलम। विच ब्रांच ऑफ बॉटनी डील विद द स्टडी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, बॉटनी की किस ब्रांच में वेजिटेबल क्रॉप्स का अध्ययन किया जाता है, ओलेरिकल्चर, सिल्विकल्चर, एग्रोनॉमी या फिर एग्रोस्टोलॉजी। सही आंसर होगा 1, ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर में वेजिटेबल क्रॉप्स का अध्ययन किया जाता है। द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ प्लांट सो फार डिस्कवर्ड आर, यानी कि अभी तक लगभग कितने प्लांट्स को डिस्कवर किया जा चुका है। सही आंसर होगा 4, 343-225। रूट्स आर डिस्क्राइब्ड एज एडवेंटिशियस डिपेंडिंग अपॉन देयर, यानी कि रूट्स को किस आधार पर एडवेंटिशियस कहा गया है, फंक्शन, प्लेस ऑफ ओरिजन, एनाटमी या फिर पोजिशन, एरियल और अंडरग्राउंड। सही आंसर होगा 2, प्लेस ऑफ ओरिजन, यानी कि जिस स्थान पर या जिस स्थान से रूट्स ओरिजन होती हैं उसके आधार पर रूट्स को एडवेंटिशियस कहा गया है। थ्रोम्स, स्पाइंस, प्रिकल्स इन प्लांट्स आर यूटिलाइज एज ऑर्गन ऑफ, यानी कि ये तीनों प्लांट्स में क्या काम करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म, ऑफेंस मैकेनिज्म, एक्सक्रीशन या फिर रेस्पिरेशन। सही आंसर होगा 1, डिफेंस मैकेनिज्म, इन तीनों का काम प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना होता है। अगला क्वेश्चन, इफ कोटलीडंस आर बोथ अबव द सोयल द जर्मिनेशन इज, यानी कि यदि कोटलीडन जमीन से ऊपर उगे तो जर्मिनेशन होगा, हाइपोगियल, एपिगियल, विविपेरी या फिर नन ऑफ दिस। सही आंसर होगा 2, एपिगियल। रूट हेयर्स अकर इन द, रूट हेयर्स प्लांट के या रूट के कौन से रीजन में पाए जाते हैं,
रूट कैप, रीज़न ऑफ सेल इलोंगेशन, एपिकल मेरिस्टम या फिर रीज़न ऑफ मैचुरेशन। तो सही आंसर होगा 4। रूट हेयर प्लांट के रीजन ऑफ मैचुरेशन में पा जाता है। तो देखिए, आपको याद रखना है, प्लांट के रूट में सबसे नीचे रूट कैप पाया जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी यानी कि डिवाइडिंग एक्टिविटी होती है। इसके बाद होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, जहाँ पर रूट की लंबाई बढ़ती है। देन इसके बाद होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन, जहाँ पर रूट हेयर पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोगेट थ्रू लीफ टिप, यानी कि इनमें से कौन लीफ के टिप से जर्मिनेट होता है? वॉकिंग फन, स्प्रोट, लीफ प्लांट, मार्केंसिया या फिर मॉस। सही आंसर होगा 1, वॉकिंग फन। इसका जर्मिनेशन लीफ के टिप से होता है। सैफ्रॉन इज प्रोड्यूस फ्रॉम, सैफ्रॉन किस से बनता है? स्टेमंस ऑफ हिबिस्कस, स्टाइल एंड स्टिग्मा ऑफ क्रोकस प्लांट, रूट्स ऑफ इंडिगोफेरा या फिर पेटल्स ऑफ म्यूसा। सही आंसर होगा 2, स्टाइल एंड स्टिग्मा ऑफ क्रोकस प्लांट। और क्रोकस प्लांट को सैफ्रॉन क्रोकस भी कहते हैं, सैफ्रॉन क्रोकस भी कहते हैं। मॉडिफाइड स्टेम प्रेजेंट इन ग्लेडियोलस इज, ग्लेडियोलस में पाई जाने वाली मॉडिफाइड स्टेम को कहते हैं बल्ब, राइजोम, कॉम या फिर बुलबिल। सही आंसर होगा 3, कॉम। अ प्लांट डिफर फ्रॉम एन एनिमल मेनली इन, एक प्लांट एक एनिमल से अलग मुख्यतः किस में होता है? प्रोटोप्लाज्म, वाइटल एक्टिविटीज, न्यूट्रिशन या फिर रिप्रोडक्शन। तो देखिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही यूकैरियोट होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। उसके बावजूद भी इनमें कुछ मुख्य अंतर होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन। इन दोनों में अलग अलग न्यूट्रिशन पाया जाता है। द पार्ट विच इज ग्राफ्टिंग ऑन स्टॉक ऑफ अनदर ट्री इज कॉल्ड, यानी कि प्लांट का वह पार्ट जिसे दूसरे प्लांट पर ग्राफ्ट किया जाता है या फिर उसे उगाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ग्राफ्ट, बुलबिल, बर्ड या फिर सायोन। सही आंसर होगा 4, सायोन। इन विच वन पेयर बोथ द प्लांट कैन बी वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड बाय लीफ पीस, इनमें से कौन से पेयर के प्लांट लीफ पीस द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड हो सकते हैं या फिर लीफ पीस से ही उग सकते हैं? ब्रायोफाइलम एंड कैलानकोए, क्राइजेंथिमम एंड एगेव, एगेव एंड कैलानकोए या फिर एस्पेरागस एंड ब्रायोफाइलम। सही आंसर होगा 1, ब्रायोफाइलम एंड कैलानकोए। ये दोनों प्लांट्स लीफ के किसी पीस द्वारा ही जर्मिनेट हो सकते हैं। कैरेट इज माइक्रो प्रोपोगेटेड थ्रू एम्ब्रियो, एम्ब्रॉयड्स, सूट कल्चर या फिर कैलस। सही आंसर होगा 4, कैलस। तो इस वीडियो में हमने देखे हैं बायोलॉजी के रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आगे भी हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें हम पूरी बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।